हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या में। और आज मैं आप लोगों के लिए 12 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी लेकर आई हूँ। और हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन की जानकारी डिटेल में मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को थम्सअप देना ना भूलें। अगर आप लोग चाहें, आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गूगल ने अपने यूजर्स के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? तो गूगल ने अपने यूजर्स के लिए पीपल कार्ड लॉन्च किया है। अब ये पीपल कार्ड है क्या, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो गूगल ने भारतीय यूजर्स के लिए खास पीपल कार्ड लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से गूगल सर्च में यूजर्स को वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बनाने की सुविधा मिलेगी। अच्छा, ये वर्चुअल विजिटिंग कार्ड क्या होगा? ये जो वर्चुअल विजिटिंग कार्ड होगा, ये होता है कि अगर आप अपने बारे में किसी भी पर्सन को जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो फीड कर सकते हैं। अगर आप अपने बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो इस विजिटिंग कार्ड के थ्रू दे सकते हैं। और ये वर्चुअल विजिटिंग कार्ड कब बनेगा? तो वो तभी बनेगा जब आपका गूगल में अकाउंट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि रूस ने कोरोना का वैक्सीन बना लिया है, ये सबको पता चल गया। लेकिन जो कोरोना का वैक्सीन बनाया है उसका नाम क्या रखा है, और अगर नाम रखा है तो वो किस बेस पर रखा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का क्या नाम रखा है? तो जो रूस है उसने अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन का नाम रखा है स्पुतनिक वी। अब ये जो नाम रखा है वो किस बेस पर रखा है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए, मतलब किसी भी देश ने कोरोना का वैक्सीन नहीं बना पाया, सबसे पहले किसने विकसित कर लिया है? रूस ने। और मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी घोषणा की थी, और उन्होंने ये भी बताया कि इस वैक्सीन का जो परीक्षण किया गया है उन्होंने अपनी दोनों बेटियों पर करवाया था और वो दोनों सुरक्षित हैं। और उन्होंने क्या किया है, देश में इसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। अब जो नाम रखा गया है वो किसके बेस पर रखा गया है, तो रूस ने अपनी वैक्सीन का नाम अपने पहले सैटेलाइट स्पुतनिक वी के नाम पर रखा है। तो ये जो वैक्सीन का नाम रखा गया है किसके ऊपर रखा गया है, उनके पहले सैटेलाइट के ऊपर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइन कंपनी ने 5 देशों की उड़ान सेवा को भविष्य में बंद करने का फैसला लिया है? तो एयर इंडिया ने 5 देशों की उड़ान सेवा को भविष्य में बंद करने का फैसला लिया है। ये 5 देश कौन कौन से हैं और भविष्य में बंद करने का फैसला क्यों लिया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देश की सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने 5 देशों की उड़ान सेवा को भविष्य में बंद करने का फैसला लिया है, और इसके साथ ही इन देशों में ऑफिस को भी बंद कर दिया जाएगा। और यह फैसला क्यों लिया गया है, क्योंकि लगातार घाटा हो रहा था इन कंपनियों को। और वो 5 देश कौन कौन से हैं, तो वो है कोपनहेगन, डेनमार्क, इटली, स्वीडन, स्पेन और पोर्चुगल। ये 5 देश हैं जहां पर एयर इंडिया ने अपनी सेवा देने से मना कर दिया है। अब ये भविष्य में सारी सेवाएं बंद कर देगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अगस्त को राहत इंदौरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, जो जब मैंने न्यूज़ ओपन की तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ इन्हीं के नाम पर थी। तो ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा, सबको पता चल गया होगा कि जो राहत इंदौरी जी थे वो कौन थे। तो ये कवि भी थे और मशहूर शायर भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दोनों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इनके बारे में जान लेते हैं। तो 70 साल की उम्र में मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है, और इन्हें क्या परेशानी थी? वह इंदौर के कोविड अस्पताल अरविंदो में भर्ती थे,
कोविड 19 से संक्रमित होने के बाद इन्हें दो बार दिल का दौरा पड़ गया था। मतलब ये कोरोना पॉजिटिव भी थे और उसके बाद में इन्हें दिल का दौरा भी पड़ गया, इसके बाद इनकी डेथ हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति लुकाशेंको छठी बार राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? तो बेलारूस के राष्ट्रपति छठी बार राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बेलारूस में 65 वर्षीय राष्ट्रपति लुकाशेंको छठी बार राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार स्वेतलाना तिखानोवस्का को हरा दिया है और उसके बाद में इन्होंने छठी बार इन चुनाव को जीत लिया है। अब यहाँ पर बात हुई है बेलारूस के बारे में, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बेलारूस जो देश है उसकी राजधानी है मिन्स्क, राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, प्रधानमंत्री हैं दिमित्री रुमास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो हाल ही में जो पुस्तक लॉन्च हुई है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, उसके लेखक हैं योगेंद्र यादव। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, KVIC ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? तो KVIC ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादक केंद्र खोला है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा। यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा। प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन और उद्धर्तर ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएंगी। और इससे क्या होगा, लोग बागों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल पाएगा, रोजगार मिल पाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, PNB हाउसिंग फाइनेंसिंग लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक MD और CEO कौन बने हैं? तो वो बने हरदयाल प्रसाद। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रसाद कंपनी के मौजूदा अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास के 10 अगस्त को पद से हटने के बाद पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। इसके बारे में जान लेते हैं। यह AMOU ODOP योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थन पहल के दायरे में लाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ODOP योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद करेगा। मतलब इसका ओवरऑल ये है कि जितने भी जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो अपना व्यापार ऑनलाइन शुरू कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला इंग्लैंड में संपन्न हुई है। इस श्रृंखला में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो वो चुना गया है डेविड विली को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? तो मॉरिशस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ।